तमग्रहणं किम इति, तमप ग्रहण क्यों किया, मैं तमबंतम ईप्सित तमम इत्येतत् किमर्थम। ईप्सित शब्द को तम प्रत्यय करते हुए ईप्सित तमम ऐसा सूत्रकार ने क्यों प्रयोग किया, क्या प्रयोजन है। कर्तुर उद्देश्यं कर्म इत्य वस्तु, बल्कि ऐसा सूत्र संक्षेप में हो जाता कर्तुर उद्देश्यं कर्म, ये उनका प्रश्न का आशय। पैसा ओदनम भुंगदे इति दृष्टांत, यहाँ पैसा शब्द जो करण है, साधन है मिश्रण का, उसमें अतिव्याप्ति न हो इसलिए तम अपने वो साधन है। ओदन जो है उद्देश्य है, ये कैसे निश्चय हो रहा है विचार करके देखिए। पैसा मिश्रम इत्यर्थ, यद्यप्यत्र भोक्तृ ओदन एव पैसा मिश्र उद्देश्य, यद्यपि यहाँ भोक्ता को न केवल ओदनिष्ठ है न केवल पयइष्ठ है, ओदन एव पयसा मिश्र, पय से मिश्रित ओदन ही उसका उद्देश्य, इसलिए उसके कर्म संज्ञा होगा, पय का तो कर्म संज्ञा प्राप्त ही नहीं है। न तो केवलम पय उद्देश्य ना भी केवल ओदना, विशिष्ट ही उसका उद्देश्य है, नहीं असौ केवल पहपाने न तुष्यति ना भी केवल ओदने न। यहाँ भोक्ता जो है केवल पहपान से भी संतोष को तृप्त नहीं होना है, न केवल ओदन भात का खाने से तृप्त होना है। यद्यपि ऐसा है तथापि यदा भुक्तवान एव पयोलिप्सया, ये उस स्थिति की बात है जो आदमी भोजन कर चुका है और ऊपर से दूध चाह रहा है, दूध तो चाहता है दूध केवल कोई देने को तैयार नहीं, तब क्या करें, मजबूरी में भात भी खाना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा तो भात खाएंगे लेकिन दूध के साथ लेंगे, इस बहाने दूध मिलेगा। जैसे कि महात्मा की कहानी आता है, पहले साधु बेलाश्रम बंबई की कहानी, एक महात्मा गया कोटारी से, कहा महाराज हमको 100 ग्राम घी चाहिए, हम बड़े योगी हैं, विशेष हम प्रणाम आदि करते हैं, रोजाना 100 ग्राम घी ली, लेकिन कोठारी व्यस्तता उसने ध्यान नहीं दिया उसके बाद पे, अरे ऐसे कह दिया मुझको, और जहाँ पंगत लगी उस बाबा ने जो है 50 रोटी खा गया, कि एक रोटी में 2 ग्राम घी, 100 ग्राम घी खाने से मतलब उसको तो 100 रोटी 50 रोटी खा गया। अब जो है रसोईया तो उसने कहा कुठारी से क्या हो गया, इतने लोगों के लिए बना था तब तो एक खा गया, दूसरे पंगे तो रोटी बचा ही नहीं, तो उन्होंने कहा चलो एक का दिन है, पहली दिन आया है ये तो भूखा आया, वो खा लिया होगा कोई बात, दूसरे दिन भी ऐसे खा गया वो 50 रोटी। तो कुठारी ने बुलाया उसको, महात्मा जी आप इतने रोटी क्यों खाते हो, कहते महाराज मुझे रोटी से कोई लेना देना नहीं, मैंने आपको पहला भी नहीं कह दिया तो 100 ग्राम घी दे दो, एक की रोटी से खुश हो गया, मुझे 100 ग्राम घी दे दो रोजाना, एक रोटी खा लूंगा, मुझे या रोटी नहीं खाऊंगा, जरूरत ही नहीं मेरे को, अब 100 ग्राम घी किसी तरह से लेना है ना, मैंने तो एक एक रोटी में आप अधिक से अधिक 2 ग्राम लगाते होंगे, चम्मच भी फेरते हो ना 2 ग्राम पड़ता होगा, तो 50 रोटी से मैं 100 ग्राम घी खा रहा हूँ, मेरे लिए नुकसान हो रहा है, बल्कि मेरे को इतना आटा फालतू का जा रहा है, मैं क्या करूँ 100 ग्राम घी, मेरे से मतलब है, इसे किसी को दूध से मतलब है, अब नहीं जरूरत है तो भात तो खाना पड़ेगा, उसको क्या करें, ऐसी स्थिति वाले को लेना चाहिए। यदा भुक्तवान, वो पहले भोजन पा चुका है ना, दूध लेना चाहता था लेकिन केवल दूध कोई देने को तैयार नहीं, अब मजबूरी में करे क्या, वो पयोलिप्सया है ना, दूध पाने की इच्छा से पुनर्ओदन भोजन प्रवृत्त है, पुनर्ओदन भोजन में प्रवृत्त हुआ, ऐसी स्थिति में उसके लिए ईप्सित वास्तव में क्या था, दूध था इस समय, तो तदा इदम प्रतिधारणम, तब दूध को भी कर्म संज्ञा की प्राप्ति, तत्र यद्यपि पय एव उद्देश्य भुज क्रिया प्राप्ति, यद्यपि अब स्थिति जो है खाने के बाद की स्थिति में पय ही मुख्य उद्देश्य है उसका, भात तो उद्देश्य ही नहीं, यद्यपि पय एव उद्देश्य भुज क्रिया प्रति, तथापि भुज क्रिया कर्मीभूतम ओदनम प्रति मिश्रण साधन,
अरे भोजी क्रिया का कर्म कौन है? ओजन, कि उसके बिना दूध खा नहीं सकता हो, दूध ले दूध प्राप्त नहीं हो रहा उसको। इसे भोजी क्रिया का कर्म हो गया ओजन, उसमें मिश्रण का साधन हो गया दूध, इसलिए हो गया गौण। न चाहते हुए भी मुख्य को गौण करना पड़ रहा है, गौण को मुख्य करना पड़ रहा है। गुणत्व नहीं तद उद्देश्य न तो भोज्यत्व उद्देश्य, इसे गुणत्व न वो उद्देश्य नहीं रह जाएगा, और उद्देश्य से भात ही हुआ। न तो पयसोपी अतः तत्र गुणत्वेन ओदनस्य तत्संस्कारित्या उद्देश्यत्वाद् ओदनस्य विशिष्टमत्वात्। इसलिए गौण होने के नाते पय जो है ओदन का संस्कार अर्थ होने के नाते जिसका हम संस्कार कर रहे हैं वो मुख्य होता है। संस्कार मुख्य नहीं है, संस्कार्य मुख्य होता है, संस्कारी वस्तु मुख्य है जिसको हम संस्कार। देशे काले पात्रे च दीयते दानम, जैसे गीता में कहना पात्रता मुख्य है। हम संस्कार किसका कर रहे हैं? शूद्र को आप जनों पहना दीजिए, ठीक है आपने संस्कार कर दिया, लेकिन वो तो अधिकारी नहीं है, उसका दुरुपयोग ही करेगा, उसका सदुपयोग कर नहीं सकता, उसकी पवित्रता को समझ नहीं सकता, उसकी श्रेष्ठता को महत्व नहीं देगा। स्वभाव है ना उसका अपना, उसके पूर्वजन्म कर्म जिसके वजह से उसको शूद्र घर में पैदा किया भगवान ने, उस कर्मानुसार है ना उसकी वासनाएं रहेगी, उस वासना के अनुसार तो चलेगा ही, चाहे उसको जन्म पहना लो चाहे सोने पर चढ़ा सिंहासन पर चढ़ो तो फर्क क्या पड़ेगा। ये फॉक्स फ्राई की कहानी है ना, एक जो है गीदड़ था, एक बार गाँव के लोग पीछा किए तो वो भागा भागा तेजी से, भागते भागते वो नीले पेंट का डिब्बे में गिर गया, पूरा शरीर नीला रंग चढ़ गया है, बाहर आया बादल, जंगल भाग गया। जंगल में सब लोगों ने कहा कि भी तो नया जानवर है, नीले नीले रंग का कभी हमने देखा नहीं। अब उसका लाभ उठा सुना, हाँ मेरे को भगवान ने भेजा है, मैं आप लोगों का राजा हूं। कहा लो ठीक है भाई, राजपथ पर उसको घोषित कर दिया, लोगों ने सब ना, और मौन रहा था, इसीलिए पता है मुंह खोलूंगा ज्यादा गड़बड़ा जाएगा, तो इसीलिए है बड़ा चालाक तो होता है, गिदड़ तो चालाक तो होते हैं, तो उसने ज्यादा बोलता ही नहीं, तो बहुत ही कम बोलना ताकि पता ही ना चले, और आवाज बदल बदल की कोशिश करता तो कुछ नहीं आवाज में बोलूं ताकि लोगों को पता ना चले कि मैं गिदड़ हूं। होते होते जो है साल भर बीता, तो प्रथम वार्षिकोत्सव मनाने के लिए तैयारियां हुई, हमने राजा एक साल हो गए, प्रथम वार्षिक उत्सव तो मनाना पड़ेगा ना, पट्टाभिषेक हुए। अब वार्षिक उत्सव मनाने लगे तो अपने अपने तरीके से सभी पशु जो है गाने लगे, सिंह आया अपने ढंग से गा के उसको स्वागत करके स्तुति करके चल आगे, करते करते गीदड़ आए, तो गीदड़ आके गाने लगे, अब उसे रहा नहीं गया। वो भी गाने लग गए उसके साथ साथ, जब गाने लग गया तो पकड़ में आ गए, सब दुष्ट है गीदड़ है अपने आप को झूठ बोलता है। अब सब ने उसको पकड़ने के पीटने लगे तो भागा वहां से, अब भागते भागते नदी में घुस गया, तो सारा नीला जो था वो धुल गया। आप जितनी भी बनावटी कर लें तो सच्चाई तो छिपती तो है नहीं, सामने तो एक दिन आ जाता है। यहां पर वो जो बात सच्चाई तो सामने आती है, इसे कहते ईप्सित मत ओदन में ही है, न तो पैसों पी तस्यापि ओदन ये उपस्थितम, इसलिए उस दृष्टिकोण में भी ओदन ही उपस्थितम हो सकता है। गुणेशो से नानुरोधित भावा, इसे गुणों में कर्मति स्तमत्व बुद्धि का अनुरोध नहीं होता। न च तमग्रहण किमर्थम, कुछ लोग ऐसे भी जो भाष्यकार आधार पर बोल रहे हैं, भाष्यकार ने ये प्रतिदान नहीं दिया, पैसा ओदन भूमि को नहीं दिया है, उन्होंने क्या बोला वो बता रहे, उनके वाक्य ही है। न च तमग्रहण किमर्थम कर्तृत्व कर्म इत्यवस्तुति वाच्यम, अग्नेर माणकम वारयति इत्यत्र माणकस्य वारणार्थानां इति अपादानत्व निवृत्त्यर्थत्व इति प्रकृत भाष्य स्थित, ये पदकृत प्रकृत भाष्य में स्थित है, क्योंकि जो है माणवक अग्नेर माणवकम वारयति, अग्नि से बच्चे को बचाया जा रहा है, रोक रहे, बच्चा जो है खेलते खेलते अग्नि अच्छा लग रहा है तो उसको उसे पता नहीं चलाएगा बच्चा है, लेकिन दूसरा क्या किया उस बच्चे को अग्नि से बचाया। जैसे पहले दृष्टांत था ना, मां शिशु अश्व बदनाथ,
पता है कि भाई हानि होगा घोड़े को वड़द खाने से, इसमें उसका उद्देश्य घोड़ा है, मांस को बचाना नहीं है, घोड़े को बचाना है। इसलिए यहाँ भी उद्देश्य क्या है, अग्नि से हमारा कोई लेना देना नहीं, बच्चे को जिंदा बचाना है, बच्चे को जलने से बचाना है, बच्चे का हानि से रोकना है। इसलिए अग्नि हो गया यहाँ पंचमी अपादान जिससे आप बचा रहे। लेकिन पूर्व पक्ष कह सकते हैं मानव को भी तो बचाया जा रहा है उससे, अग्नि से मानव को बचा रहे जिसे कहते हो, वे मानविक सी मानव को अग्नि से बचाना आप जो व्याख्या कर रहे हैं पंच उल्टा कर दो, मानव से अग्नि संबंध को खत्म किया जा रहा है। पंचमिया हो सकती है, अब से तो बोला अग्नि से मानव को, उल्टा कहूंगा मानव से अग्नि का संबंध खत्म करो, तब पंचमी आ जाएगा ना मानवख में। वारणार्था नाम एक सूत्र है वो, जो वारणार्थम ईप्सित, वारणार्थम ईप्सित, ईप्सित वस्तु से क्या है पंचमी होगा, और ईप्सित तम से कर्म होगा द्वितीया। ईप्सित का अपादान संज्ञा और ईप्सित तम करने का लाभ है वो हो जाएगा कर्म संज्ञा। यदि आप तमप ना कहे होते या भी ईप्सित कहे होते दोनों विभक्तियां आ जाती हैं, पंचमी भी द्वितीया भी। विशेष रूप वहां पर जिन धातुओं का प्रयोग, वारणार्थक धातुओं का प्रयोग कर रहे जिस वाक्य में, वहां पर कर्म और को लेकर द्वितीया, अपादान को लेकर पंचमी, दोनों विभक्तियों की संभावना थी, वह ना हो इसलिए मैंने कह दिया तमप। तो कर्म का विषय और अपादान का विषय दोनों अलग हो गया, अपादान का विषय ईप्सित है और कर्म का विषय ईप्सित तम है। ये अंतर करने के लिए ऐसा भाष्यकार ने कहा। तदेत वारणार्थानां सूत्र व्याख्या अवसर है इस बात को और विस्तार उठाकर बोलेंगे। प्राचीन कुछ प्राचीनों ने ऐसा भी व्याख्या किया था, ग्रहण किम पैसा भुक्ति ग्रंथ केवल तमक ग्रहण प्रयोजन प्रति व्याख्या था, केवल तमक ग्रहण का प्रयोजन पर उन्होंने घटाया है, लेकिन उचित नहीं है। ते भाष्य विरुद्धत्वाद उपेक्षा, लेकिन भाष्य विरुद्ध होने के नाते उपेक्षा करनी योग्य है, या क्योंकि केवल जो है आपको तमक ग्रहण का प्रयोजन बताना इष्ट नहीं है ना, साथ साथ गुण गौण और उद्देश्य, गुण मुख्य न्याय को भी लिया, गौण में ही जो का गौण मुख्य यो मुख्य कार्य संप्रत्य है न तो गौण, गौण मुख्य न्याय ही कहता है, गुण और मुख्य में से दो को जहाँ प्राप्त हो जाता है कर्म आदि संज्ञाएं, कोई भी कार्य हो वहाँ पर मुख्य में ही कार्य करना चाहिए गौण में नहीं। जैसे पैसा क्या है गौण है, संस्कारार्थ वस्तु है वो, संस्कार पदार्थ संस्कारी पदार्थ, और उसके द्वारा संस्कारित कौन हो रहा है, जो संस्कारी है संस्कारक से अलग, वो तो संस्कर्ता कहा जाएगा, संस्कार करने वाला दूध है, किसको संस्कारित कर रहा है वो, संस्कारी है ओधन, इसलिए वो उद्देश्य हो गया जिसका हम संस्कार कर रहे हैं। इस संस्कर्ता से संस्कार्य श्रेष्ठ होता है जिसका हम संस्कार कर रहे हैं, अतः संस्कर्ता जो पय है यहाँ गुण है और संस्कारी ओधन उद्देश्य है मुख्य। और गौण मुख्य न्याय भी भाष्यकार दृष्टांत से लक्षित किए हैं, इस बात का उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, कौन प्राचीन आचार्य ने इसलिए उनको भाष्य विरुद्ध कहा दिया। अच्छा ननु अधिशिंसासं कर्मित्य तो अनुवृत्तेरिह कर्म ग्रहण व्यर्थ विदधाः कर्म ग्रहणम आधारिति अधिशिंगित्यस्य त्रही आधारित वर्त आधारो अधिकरण से आधार का अधिकार चल रहा था अनुवृत्ति लगातार कई सूत्रों में, तो उसमें भी आ गया था, अतएव उस अधिकार को समाप्त करने के लिए दोबारा कर्म ग्रहण कर दिया गया। यहाँ भी तद अनुवृत्ति महाबूदी थी कर्म ग्रहण भी करता, फिर भी कहता है ननु हरिम भजति इत्यादो असंभवादेव तद अनुवृत्ति न भविष्यति, हरिम भजति में आधार तो संभव ही नहीं भजन का, अपने आप निवृत्त हो जाएगा ना, निवृत्त करने की क्या जरूरत है, स्वतः ही आधार निवृत्त हो जाएगा असंभवाद। तो कहते ऐसा नहीं, ऐसे भी स्थल हम दिखा सकते हैं जहाँ आधार होता हुआ कर्म भी हो, ऐसा दृष्टांत हम दे सकते हैं, फिर ये सूत्र वही काम करेगा, आधार तो विशिष्ट कर्मत्व जहां है वहीं पर ये सूत्र कर्म संज्ञा करेगा ना, जहां आधार नहीं आधारत्व नहीं है ऐसे भी कर्म संज्ञा नहीं करेगा। यदि हम आधार का अनुवृत्ति करके जोड़ेंगे ये अर्थ करोगे ना, कर्तु क्रिया आप तुम इष्टतम कारकम आधारात्मकम, ये भी जोड़ेगा। यदि आधार का अनुवृत्ति करोगे तो मूल में वृत्ति बनाया था ना हमने, सूत्र का वृत्ति क्या था और पृष्ठ पहला पंक्ति 298 में 598 का पृष्ठ क्यों पलट रहा है,
इधर पहला पंक्ति मूल में कर्तु क्रिया आप्तमिष्टतमं कारकं कर्म संयम स्यात्, ये था ना वृत्ति। यहाँ पर क्या वृत्ति बनेगा तब, कर्तु क्रिया आप्तमिष्टतमं आधारात्मकं कारकं कर्म संयम स्यात्, ये अर्थ हो जाए। यदि हम आधार को जोड़ते हैं ये अर्थ निकले, आधारात्मक जो कारक उसी का कर्म संज्ञा होगा, तब हरिम भजते में कर्म संज्ञा ही नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते आधार पर कर्म मिलेगा ही नहीं दृष्टांत, ऐसा नहीं कहना। क्यों कहते यथा अन्यथा गेहम प्रचित त्रिवस्यात, मूल में आया था ना दृष्टांत, यहाँ तो पढ़े थे हम लोग। अन्यथा क्या हो जाएगा, गेहम प्रवेशति, ये कैसा गेह शब्द आधारात्मक है और कर्म भी है प्रवेश के प्रति, क्रिया के प्रति। इसलिए आधारात्मक कारक भी हमारे पास उपलब्ध है जिसके कर्म संज्ञा हम प्रयोग कर सकते हैं, इसे सूत्र तो चरितार्थ हो ही जाएगा, निरर्थक और निरवकाश तो नहीं रह गया ना। इसीलिए आधार शब्द का अनुवृत्ति को हमें रोकना है, मेरा ना रोकना है। कैसे रोकेंगे, इसलिए सूत्र में दोबारा कर्म संज्ञा प्रयोग कर दिया, शब्द प्रयोग कर दिया। यदि पूर्व सूत्र में कर्म था, यहां पर दोबारा कर्म करना ग्रहण करना पड़ा। अन्यथा गृह प्रचित्य त्रैवस्य इति हरिम इत्यादि तो न स्यात्, समस्या क्या है उल्टा, हरिम भजति इत्यास में कर्म संज्ञा ही नहीं होगा, यह आपत्ति हो जाए। यही बात इति एव कारार्थ, इसलिए मूल में एव इत्यत्रैव स्यात्, यहीं पर होगा अन्यत्र नहीं होगा। हरिम भजति इत्यादि जो प्रसिद्ध स्थल है, देवत ग्राम गच्छति इत्यादि किसी भी प्रसिद्ध स्थलों में कर्म संज्ञा ही नहीं होगा, यह आपत्ति थी। अतएव आधार का अनुवृत्ति हमें रोकना अति आवश्यक है। नीचे थोड़ा सा पैसे थी भुज क्रिया प्रति पयस प्रकृष्ट कारकत्वे भी ओदर एव त्रिस्तमा पयस्तु संस्कारकत्व करणम। भुज क्रिया के प्रति भी यद्यपि पय प्रकृष्ट कारक है ही, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही दूध के चक्कर में हो रहा है, भात के चक्कर में नहीं उसकी प्रवृत्ति, फिर भी हाँ वो ओदन को इप्सितम माना जाएगा। क्यों कहते पयस्तु संस्कारकत्व करणम, पय क्या है संस्कार है, इसलिए उसमें साधनत्व आ जाए, करणत्व आ गया, संस्कार का साधन है करण है, इसलिए उसमें करणत्व ही रहेगा। नहीं असो केवल पैसा पाने न संतुष्ट किंतु सतत संस्कृतिन ओदनिन, क्योंकि केवल पय के थोड़ा अंतर कर दिया बाल ब्रह्मा से, क्योंकि केवल पैसे प्रसन्न नहीं हो रहा मैंने तृप्त नहीं होगा, किंतु पय युक्त ओदन से तृप्ति हो मान, मैंने पहले भोजन खाया हुआ ये नहीं मान रहे, उन्होंने यही किया ना पहले भोजन खाया हुआ मान करके केवल पय का उसका उद्देश्य था, फिर भी उसमें कर्म संज्ञा रोकने के लिए बात कही गई है, तम अपशब्द ये उसने कहा था। लेकिन ये दूसरे ढंग से ले रहे हैं कि ये अंतर दिखाना तो नहीं आसो केवल पय से पाने संतुष्टि किंतु तो संस्कृत न उदनी न, यदा तो पय ये उचितम असि भवती तथा कर्मत्म भवती पय पिबती थी, और जब केवल पय उचितम हो जाए जहाँ वहां पर तो पह पिपति सीधा कर्म संज्ञा हो जाएगा पह शब्द। अनभिहिते अधिकार आरंभ होते ही अधिकार सूत्र इत्यधिकृत्या, ये दो तीन एक से लेकर के दो तीन तिहत्तर तक जाता है, तिहत्तर तक वो एक चार में संज्ञा का अधिकार है, आप समझ रहे फर्क, एक चार में कारके का अधिकार था, कारकों की संज्ञा करेगा कर्म संज्ञा से लेकर सारी संज्ञा करेगा, और ये उनके संज्ञाओं जिनके साथ संज्ञा हुई उसे पर में विभक्ति लाने के लिए, किस अर्थ में कौन सी विभक्ति आएगी ये निर्णय करने के लिए अनभिहित अधिकार है, और यह दूसरे अध्याय वो एक चार का अधिकार है और एक दो तीन में इसका अधिकार रखा हुआ है, स्थान अलग है, संज्ञा स्थान अलग है और विधि स्थान अलग कर दिया। इत्यादि कृत्या बहत्तर सूत्रों में इसका अधिकार जाएगा 72, और वो केवल 32 में था, एक चार 23 से एक कर 55 तक 32 सूत्रों में अधिकार था, माने मैंने विभक्ति का जो विधि है या अधिक संख्या में, क्योंकि अपवाद के बाद बोलो ना किन किन अर्थों में विभक्ति आप विधान करें तो केवल संज्ञाओं के आधार पर ही नहीं होगा, धातुओं के योग में भी, क्योंकि विभक्ति दो तरह की होती ना, एक तो कारक विभक्ति और दूसरी उपपद विभक्ति, ये तो गए
कारक संज्ञाएं, इन संज्ञाओं में होने वाली सीधी सीधी विभक्तियों को कर्म विभक्ति कहेंगे। और दूसरा नहीं, अमुक धातु का योग में ये होगा, अमुक पदों का योग में, नमः सृष्टि स्वाहा स्पृशत है ना, वजड अलम योगाच्च, वो जो सूत्र है जैसे उनके योग में ही करेंगे, उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। उसको इस तरह दोनों प्रकार विभक्तियों के कारण से इनकी संख्या अधिक है। इत्यादि कृत्य कर्मणि द्वितीया, कर्मणि सप्तमी के एक वचन, द्वितीया प्रथमा के एक वचन, दो पद वाला सूत्र है। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, अधिकार जुड़ गया अनुक्ते कर्मणि। जब कर्म उक्त ना हो, किन से उक्त ना हो या किस से उक्त ना हो, इसे तय करना पड़ेगा ना। उक्त और अनुक्त निर्णय आगे देंगे, यही आ रहा है। हरिम भजति, दृष्टांत दे दिया, हरिम भजति। फिर वो कहते अभिते तु कर्मणि प्रातिकार्थ मातृति प्रथम ही। जब कर्म अन्यों से उक्त हो जाए, अभिहित हो जाए, मैंने उक्त हो जाए, वहां प्रातिक अर्थ मात्र माना जाएगा उसको, जो कारक अर्थ त्याग दिया जाता है और वहां प्रथम विभक्ति ही आएगी। इसलिए द्वितीय आदि विभक्तियां नहीं आएगी। और अभिदानंच, कर्मादि का कथन कौन करता है, उक्त कैसे हो जाते हैं, कहते सुनो, अभिदानंच प्रायेण तिंग कृत तद्धित समासैहि। प्रायः तिंग कृत तद्धित और समास के द्वारा कर्मादियां उपभुक्त हो सकते हैं। जैसे तिंगंत का दृष्टांत है, हरिः सेव्यते, कर्मणि में आपने लकार लाया है, कर्मणि में लकार, इसे सेव्यते रूपना, वह लकार के द्वारा कर्मुक्त हो गया। ल कर्मणि च भावे च कर्म के भी सूत्र है, लकार उनके स्थान में कर्मार्थ में विभक्ति आ सकता है, कर्तार्थ में भी आ सकता है, भाव में भी आ सकता है। कर्त्री में करते हैं तो पूर्व आपने देखा हरिम भजति, कर्त्री में लकार है, वहां लकार से क्या उक्त हो गया, कर्ता, अतएव वहां पर हरि हो गया कर्म। लेकिन यहां कर्म लकार के द्वारा उक्त हो गया, इसलिए जो सेवा जो कर रहा है भगवान का, किस भगवान का, हरि का, और उसी हरि शब्द क्या हो गया, प्रत्यय, कर्म उक्त हो गया तिंग से। कृदन से उक्त की दृष्टांत लक्ष्म्या सेवित कर्मणि युक्ता प्रत्यय, सेविता में जगता प्रत्यय है वो कर्मणि में किया हुआ है, इसे लक्ष्म्या सेविता, सेवितो हरि ही, लक्ष्मी क्या हो जाएगी तृतीया, उसके द्वारा सेवित कौन है, हरि, हरि में प्रथमा, यहां कृदन से उक्त हो गया कर्म। अथवा लक्ष्मी ही कोई की ही सेवा कर रहा है व्यक्ति, है ना, लक्ष्मी चाहिए ना लोगों को, पूजा करते हैं लोग, प्राप्त हुआ कर्म उसको बाद गए इसने कर दिया, नहीं उक्त हो गया कर्म, इसलिए तृतीया हो गई। तद्धित, तद्धित मुक्ति, जैसे शतेन क्रीत, 100 रुपया के द्वारा खरीदा गया, 100 वस्तुओं के द्वारा जो खरीदा गया, यहां भी कर्म उक्त हो गया, किसे, तेन क्रीता, इस अधिकार में क्रीत शब्द में कर्मणी विक्त प्रत्यय है, और तद्धित प्रत्यय आया ही है क्रीत मैंने कर्म में ही आ गया, अतएव उसे उक्त हो गया, तो वहां पर क्या है, शतेन कृत इति सत्यः। समास दृष्टांत प्राप्त आनंदो यम स प्राप्त आनंद, प्राप्त हो गया है आनंद जिसको, वह व्यक्ति कहा जाएगा प्राप्त आनंद। यम कहकर के विग्रह वाक्य में अपने क्या कर दिया, कर्मुक्त कर दिया, वह है ना, सब अलग अलग द्वितीय प्रथमा भी आया है ना, इतानी अम्बरानी यस्य स, षष्ठी हो गया वो, षष्ठी हो गया, और ये द्वितीय के लिए हुआ उपहृत पशु ये न, ये दृष्टांत दिया था तृतीय के लिए, लघु सिद्धांत समास प्रकरण में ये सब आए हुए क्वचित, लेकिन इतने ही नहीं और भी है, क्वचित निपातिन अभिदानम, कहीं कहीं निपात के द्वारा भी कर्मादि उक्त हो जाते, जैसे यथा वृष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं चेत्तुम असाम्प्रतम, निपातेनापि, निपात कौन है यहाँ, अपि, ये अपि के द्वारा कर्मुक्त हो गया, वृष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं तम वृष वृक्षम चेत्तुम
आसान जापी से प्रशिक्षम कर्म उक्त हो गया। जहरीले पेड़ को स्वयं उगाए हो तो भी स्वयं के दर्श को काटा नहीं जा सकता, तो स्वयं उगाया है ना तो कैसे काटेगा। इसलिए कह दिया गया था इस तरह से, ये अपरोक्ष शब्दावली है ये, यदि बेटा राक्षस पैदा हो जाए, दुष्ट पैदा हो जाए, चोर बदमाश हो जाए, तो वे अपना पैदा किया हुआ है ना, उसको कैसे उस गर्दन काट दोगे क्या, उसको पालना ही पड़ेगा, जैसा भी उसको सहन तो करना ही पड़ता है या नहीं। अब सीधे नहीं कहा इस बात को, इस भाषा से कर, जहरीले वृक्ष को दिया आपने बोया है, स्वयं वो काटने योग्य नहीं होता, स्वयं हमने पैदा किया है, अब उसके जन्म जन्मांतर संस्कार, अच्छे संस्कार देने पर उसको संस्कार ग्रहण ही नहीं हो रहा है, तो आपका दोष नहीं है, लेकिन आपको उसको सहन भी करना और देने गर्दन का खत्म कर दो। लोग पहले ऐसे होता था भाई, मंगली मंगली हो गया, तो मूलों में पैदा हो गया, ये जंगल में फेंक देते थे बच्चे, पिता को नाश कर देगा, वंश को नाश कर देगा, ठीक है नहीं छोटा फेंक दे, नहीं उसके लिए उपाय करो, उपाय करके उसको जो है पालना चाहिए। तुलसीदास तो ऐसे ही थे, मूल में पैदा उसको उठा गए वहां के मंदिर में जाए, तुलसी के पौधे के बगल में छोड़ दिया बच्चे, किसी के माँ बाप के नाम किसी को पता ही नहीं, तुलसीदास जी के माँ बाप का नाम किसी को पता नहीं, कौन ये सब हो जाते थे पहले घटना है ना, उचित नहीं। इसलिए न्याय न्याय बनाने ऐसे नहीं करना चाहिए, इन शब्दों से कह दिया। उसके बाद सांप्रतम इत्यस्य हि युज्यते इत्यर्थ, सांप्रतम करके क्रियापद युज्यते, स्वयं चेतुम न युज्यते, ऐसा एकदम यहाँ तक टीका देखिए। अनभिदित अधिकृत्य द्वितीय आदि वक्ष्यते शेष इत्यर्थ, कर्मणि द्वितीय अनभिदित अनुवृत्ता व्याचष्टे अनुक्त इति हरिं भजति तुष्ट्यनुकूल परिचरणात्मक व्यापारो भजेरर्थ पूजादि व्यापारेण हरिं तोषेति इत्यर्थ, तुष्ट्यनुकूल परिचरणात्मक जो व्यापार है वह भजन का अर्थ होता है, भज धातु का अर्थ है अगला हमारे व्यवहार से प्रसन्न हो जाए, उसी प्रसन्नता के लिए हमें जो भी परिचरण में सेवा रूपा व्यापार करने करते हैं, यही भजन। अगर भजन हो रहा है, भजन और भजन होने का मतलब क्या है, भजन हो यही है कि आप जो है वैसा स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, जिससे कि भगवान प्रसन्न हो जाए। और आज जो सब सेठों को प्रसन्न करने के लिए इसे सेठों की चिंतन होते रहता है, सेठों की सारा बात चल रहा है, उन्हीं के पीछे लगे रहते, उनके भजन हो रहा है, शुद्ध उपास्य सुधि भी उपास्य, सुधियों के द्वारा भी उपास्य परमात्मा ने इसे ढलो। तुष्टि अनुकूल परिचरणात्मक व्यापार भजरता पूजा आदि व्यापार ने हरिम तोषयति, मैंने पूजा आदि व्यापार के द्वारा हरि को प्रसन्न करता है, ये इसका अर्थ होता है। यहाँ पर क्या है, कर्तनिष्ठ पूजन आदि व्यापार उसके द्वारा प्रयोज्य है तुष्टि रूपा फल, उसका आश्रय कौन है, हरी। कर्तनिष्ठ पूजन आदि व्यापार आश्रय व्यापार प्रयोज्य तुष्टि रूप फलाश्रय तत् हरि कर्म, फलाश्रय का नाम ही कर्म होता है। हरिनिष्ठ तुष्टि अनुकूल एक देवता निष्ठ वर्तमान व्यापार इति बोध्या, नहीं एक भाषा में कहो हरिनिष्ठ तुष्टि अनुकूल एकतावच्छिन्न देवदृष्ट वर्तमान काल कृतिमान, कृतिमान कौन है, देवदत्त, ऐसा प्रथमांतार्थ विशिष्ट मुख्यशाली ज्ञान नैयायिक करते हैं, ये शब्द बोध होता है कि भाव प्रदानम आख्यातम इति निरुक्त कारक या कार निरुक्तकार यास्क वचना, निरुक्तकार जो यास्क है उन्होंने बात कहा है भाव प्रदानम आख्यातम, भाव प्रदान आख्यातम, इसे मुख्य विशेष कृतिमान देवदत्त नहीं लेना, तार्श देवदत्त निष्ठ वर्तमान व्यापार करके अलग कर दिया ना, नहीं आय कहोगे खिलाफ खंडन करेंगे आगे, और नहीं आय कहोगे, इसलिए प्रथमांतार्थ विशेषशाली ज्ञान निरुक्त का भी विरुद्ध है और व्याकरण के विरुद्ध भी है। भाव प्रधानम आख्यातम कह दिया, आख्यात जो है भावार्थक वो ही प्रधान होता है वाक्य में,
तो प्रधान माने वही मुख्य विशेष है। प्रधान किसको कहते वाक्य, मुख्य विशेष का नाम, अन्य सब गौण हो जाएंगे। अन्य जितने भी शब्द हैं उनके अर्थों को व्यापार में ले जाना है, व्यापारी मुख्य विशेष। इसने कर दिया हरिनिष्ठ तुष्ट अनुकूल एक देवदत्त निष्ठ वर्तमानो व्यापार इति बोधः। क्रिया प्रधानम तिंगंतम इति तदर्था भाव, वहां पर जो है यास मुनि का यही अर्थ है, भाव प्रधानम आख्यातम करते क्रिया प्रधानम तिंगंतम। भाव मने किसको कहते भाव, क्रिया या सिद्ध अवस्था भाव, क्रिया की जो सिद्ध अवस्था है उसी का नाम भाव कहा गया व्याकरण में। भाव अलग अलग अर्थ है, जब हम तिंग और कृदंत की विचार करते हैं वहां पर भाव का अर्थ हो गया, समझ आ गई, वहां भाव। और जहां लहकमण चुभावे केवल लहरे वहां भावे, भाव में क्रिया सामान्य क्रिया मात्र, कृदंत में क्रिया सिद्ध अवस्था, भाव में घय आदि जो प्रत्यय होता है। और तद्धित्व भाव का अर्थ त्वतल प्रत्यय, प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारी भूतो धर्म भाव, धर्म का बोधक भाव है, मन मनुष्यत्व धर्म का बोधक। तो व्याकरण में इसलिए भाव शब्द का तीन अलग अलग अर्थ होता है, किस प्रसंग में प्रयोग किया है वो ध्यान देना पड़ता है। और यहां पर आ गया है किस अर्थ में, यहां सामान्य क्रिया लकार का है ना, तिंगंतम भाव कर, इसलिए व्यापार सामान्य क्रिया सामान्य अर्थ हो गया, क्रिया प्रधान तिंगंतम इत्यर्थ। एवं च हनिष्ठ तुष्ट अनुकूल व्यापार आश्रय देवती प्रथमांतर्थ विशेषक बोध तार्किक समत नादर्तव्य मंजूषाद प्रपंचता। न्यायिकादि का जो सिद्धांत है प्रथमांतार्थ विशेषशाली ज्ञानम उसको उन्होंने खंडन कर दिया। यह व्या विशेष देखना है वैयाकरण लघु मंजूषा इत्यादि ग्रंथों को विस्तार से देख ले। यहाँ भी थोड़ा आगे कहेंगे, नीचे वाले तो काफी जाएंगे। अच्छा अभिजेत हरि सेवित इत्यादि विशेष तद्विधान तद्विधौ अनभित अधिकार अभाव, क्योंकि जो है प्रथमा का जो विधि है वह अनभित का अधिकार नहीं है ना। प्रथमा का विधि कौन किया, शेषे प्रथमा, सब को छोड़ के अंत में प्रथमा ने किया। जितना अर्थ बताया गया जो जो विधान किया है वो सब होने के बाद पहले कहते शेषे षष्ठी ये कहा गया था, इन सबसे शेष में षष्ठी। और उसकी व्याकरण संबंध सामान्य, वह भी अर्थ जब नहीं है, संबंध अर्थ भी नहीं है विवक्षित, उस स्थिति में क्या होगा प्रथम, उससे विशेष क्या है वहीं जाके प्रथम। इसलिए कहते कि उधर शेषे प्रथमा वहां भी आया ना, वो तो तिंगंत में प्रथम पुरुष ईश्वरद्वीप समान अधिकरण स्थान्य भी मध्यम है कि नहीं, और अस्मद्युत्तम शेषे प्रथम, ये तीन सूत्र तिंगंत। इसलिए कहते हैं कि देखो तद विधौ अनभित अधिकार अभाव, प्रथमा के विधायक सूत्र में जो है अनभिते का अधिकार ना होने के कारण से अन अभिते प्रथमा इति वार्तिकाच, और वार्तिकार स्पष्ट कर भी दिया अभिहिते प्रथमा के वार्तिक उसी का नाम है ना, उक्त अनुक्त दुर्क्ता नाम चित्र चिंता इत्र प्रवर्तते तम तम वार्तिकम प्राहु वार्तिक ज्ञा विचक्षणा। हाँ उक्त को भी स्पष्ट करना पड़ता है कहीं पर, क्यों स्पष्ट उक्त नहीं है, उक्त है किंतु अस्पष्ट है, और अनुक्त है फिर तो स्पष्ट करना ही होगा, और दुरुक्त है तो भी कहना। तीन स्थितियों में वार्तिक का लाभ होता है, उक्त अनुक्त और दुरुक्त अवस्था। अच्छा अत्र भाष्य कटं करोति भीष्मं उदारं दर्शनीयं शोभनम इत्यत्र कटशब्दाद् उत्पाद्यमानया द्वितीयया कर्मणो अभीतत्वाद् भीष्मादिभ्यो द्वितीयया द्वितीया न प्राप्नुत्याशंक्य तिंकृत समासेर अभिधानम् इति परिगणितम्। भाष्यकार ने कटं करोति भीष्मं उदारं दर्शनीयं शोभनम् कर, कटं का विशेषण है, कटं करोति चटाई बना रहा है, कैसे चटाई, ये बहुत भयंकर है भीष्म, लंबा चौड़ा
बड़ा अच्छा टाइम पास भीष्म और उदाहरण देखने में मजा आता है। शोभनम बहुत सुंदर भी है, इसे कट का विशेषण है, ऐसे कट को चटाई को बनाता है। यहां पर कटम कट शब्द को तो द्वितीय प्राप्त है क्री धातु का योग से, लेकिन इनको तो प्राप्त नहीं होगा ना, इनका साक्षात क्री धातु के साथ व्यापार के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसे किसका विशेषण है? कट का विशेषण है ना, क्रिया का साक्ष कोई संबंध नहीं है। फिर कैसे वाद हो जाएगा द्वितीय? ऐसे आशंका करके कट शब्दाद उत्पाद्यमान या द्वितीय या कट शब्द से उत्पन्न होता हो द्वितीय से कर्मणो अभिहित, कर्म अभिहित भी हो गया, इसीलिए भीष्मादि भी द्वितीय न प्राप्त, भीष्मादियों से द्वितीय प्राप्त नहीं, वहां तो अभिहित हो गया ना कटम से, इसे प्रथम होना चाहिए। अनभिहित भी तो द्वितीय है, अभिहित तो प्रथमा, इसे इन सब शब्दों से प्रथम होना चाहिए, भीष्मम उदारम यहाँ पर सबसे प्रथमा होना चाहिए, कर्म अपने जैसे कर दिया। यूं आशंका करके उन्होंने जवाब में कहा, अरे भाई कर्म से कर्मुक्त हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब तिंग से कर्मुक्त हो जाए, कृत से कर्मुक्त हो जाए, तद्धि से कर्मुक्त हो जाए, समास से कर्मुक्त हो जाए या निपात से कर्मुक्त हो जाए, उसी दशा में प्रथमा होती है। और कर्म है खुद, उससे कर्म अपने उक्त हो गया हो उसे उक्ति नहीं माना गया, आने बीते का अर्थ नहीं, ऐसे भाषा ने स्पष्ट से कटम में हम द्वितीय लाए उसे कर्मुक्त हो गया तो भी उसका जितने भी विशेषण है उन सब से भी कर्म संज्ञा हो जाएगा। क्यों? सब विशेषणानाम समान विभक्तिकत्वम नियम है व्याकरण, जितने विशेषण होते हैं उन सब की विभक्तियां समान होते हैं, नियम यही है। जब तक वह शब्द नित्य बहुवचनांत या नित्य द्विवचनांत इत्यादि में रूढ़ न हो, नहीं तो जैसा विशेष्य होता है विशेषानुसार है नहीं, सभी विशेषणों का लिंग और विभक्ति तय होता है। विशेष कौन है? कटम। कटम क्या है? पुल्लिंग है, वो है द्वितीय कर्म है, अतः जितने भी विशेषण होगा सब पुलिंग में प्रयोग होंगे और सब के सब द्वितीय में प्रयोग होगा। जब तक मैं रूढ़ रहा, कोई नपुंसकलिंग वाला शब्द है रूढ़ है, नित्य नपुंसकलिंग है, नित्य को एक वचनांत होते हैं, वो विशेषण को तो तत्व अनुसार ही रखना पड़ता है। तत्र प्रायण इति अध्यारित्या भाष्यकार को उसी वचन में प्रायण का अध्यार कर लिया उत्तरवर्ती का टीकाकारों ने, जो भाष्यकार ने प्रायण नहीं कहा है, कारण नहीं कहा, इन अन्यों ने उसको ग्रहण करके बोला है, उसे खंडन भी करेंगे, इसलिए कहने की जरूरत नहीं। प्रायण अभिधानं चेति समासे इत्यनंतरा विवक्षित विशेष तिंग इति अविभक्ति के निर्देशवया तिंग अभिधान प्रदर्शनाय, तिंगंत के द्वारा, तिंग मतलब है तिंगंत, हरि सेव्यत इति ल कर्मणि इति कर्मणि लकार भाव कर्मणो इति आत्मनेपदम तिंगंतेन अभितत्वाद हरे कर्मणो नद्वितीय भाव हरिम भजती वाक्यार्थ कर्तृ कर्म लकार और एक रूपये वाक्यार्थ होती थे वही आकरण समय आप अरे लकार कैसा भी प्रयोग कीजिए इन वाक्यार्थ तो एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। वाक्यार्थ जब हम सब बताएंगे तब ये नहीं कि हरि सेवित और हरिम भजती इन दोनों में वाक्य का अर्थ में भेद नहीं होगा, भक्ति में भेद है, उक्तानुत के कारण से भेद है, इन वाक्यार्थ एक ही होगा। पहले कर्तृवाच्य चाहे कर्मवाच्य लकार हो, कर्तृ कर्म लकार भाव में बदल जाए क्योंकि वहां तो भाव में तो कर्म होता ही नहीं, इसलिए कहते हैं कर्तृ कर्म लकार और एक रूप एव वाक्यार्थ बोध इति वैयाकरण सिद्धांत समय में सिद्धांत कृत का दृष्टांत कृदंत का तिंग वध अयम अपनी अविभक्ति का निर्देश कर दिया तद उदाहरण सूचनाय लक्ष्म्या सीमित हरिशेष भूते कर्मणि कता हुआ है कर्तृ मिश्र तृतीया हो गई लक्ष्मी निष्ठ परिचरण जनित तुष्टि आश्रय हरिति बोध बोध वही रहेगा। सप्त प्रधानानि नामानि इति यास्क स्मृति मनुरुद्ध्य प्रातिपदिकेषु प्रथमान्तोपपात विशेषक बोधस्यैव सर्वसमतत्ता प्रातिपदिकों में हमेशा प्रथमान्तोपपात विशेषक बोध को ही वाक्यार्थ नहीं प्रातिपदिकार्थ में, जब प्रातिपदिकार्थ बताना होता है
वह प्रथमांतार्थ ही मुख्य विशेष हो जाता है, जहाँ वाक्यार्थ बताना होता है वह व्यापार ही मुख्य विशेषार्थ होता है। ये दोनों सिद्धांतों को मन में रख करके जो दोनों ही यास्मिनी के द्वारा कहा हुआ है, प्रथमांतोपात विषय के बोध से सर्वसर्व तत्वाद अत्र सेवित हरे है कर्मण कृता भी तत्वाद न द्वितीय, या सेवित जो हरि है कर्म भले ही है इन कर्म के जो कर्म कृत के द्वारा भीत हो गया इसे द्वितीय व्यक्ति नहीं होती है। यहाँ भी अव्यक्त निर्देश तो सूचित करने था, इम भी अव्यक्त निर्देश तद उदाहरण सूचना है मूल में ना तिंग कृत तद्धित कह दिया, असाधु प्रयोग है ना तिंगंतम ऐसा होना चाहिए, इसी प्रकृतंतम अजितांतम समास है समास से सप्तमी होना चाहिए, ये सब जगह सप्तमी कर सकते तिंगी कृति तद्धिते समासे ये दृष्टांत है, ऐसा बोलना चाहिए था बिना विभक्ति निर्देश किया असाधु पद प्रयोग किया है इसे असाधु नहीं समझना, केवल हमें उदाहरण को संकेत करने मात्र के लिए प्रयुक्त है, कोई वाक्यार्थ बोध में उसका हिस्सा तो है नहीं इसलिए कोई गलत नहीं है। शतेन क्रीता सत्य पटाजृति शेष पटाजृति शेष शताचण्य कऊ असते इति यत् प्रत्यस्थितः अत्र कर्मस्थितेन उक्तत्वात् न द्वितीया, इसे द्वितीय भक्ति नहीं होती। चतेन कृता सत्यः पटः अध्ययन करो, कर्म कौन था, मान लो आपने कपड़ा खरीदी है तो पटम क्रीणाति पट को खरीदा, कैसे खरीदा सतेन क्रीणाति सतेन पटम क्रीणाति, ये वाक्य है कर्त्री में सतेन पटम क्रीणाति, अब उसी को जब हम कहेंगे तजित करके क्या हो जाएगा पटह सत्यह, बस वो तीन पद में जो कहा गया था दो पद में हो गया तद्धित, कि तद्धित ने सतेन और क्रीतन क्रीणाति दोनों अर्थ को सत्य से में छिपा दिया और कर्मुक्त हो गया, इसे जो पटम तो हो जाएगा पटह पटह सत्यह वाक्य, अर्थ दोनों का एक ही होगा। अगर कर्मणा सहित न द्वितीया